सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, आने लगा सहारा रिफंड का पैसा। इतने लाख लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। बल्कि जिन निवेशकों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ था, उनका पैसा अब वापस भी मिलना शुरू हो गया है। आपको याद ही होगा, केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसों के रिफंड के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर लाखों लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई भी किया था। जिसके बाद अब केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के डिपॉजिट्स के क्लेम अमाउंट को ट्रांसफर किया। दरअसल सहारा समूह के कोऑपरेटिव में फंसे करोड़ों निवेशकों के पैसों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए सहारा की चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में निवेशकों के 10,000 रुपए की राशि लौटाई जाएगी। जिनका 10,000 रुपए से ज्यादा जमा है, उन्हें भी अभी सिर्फ 10,000 रुपए ही रिफंड किए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जो सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर सहारा निवेशक खुद से लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पैसों की वापसी का ये पूरा प्रोसेस 45 दिनों में पूरा होगा। अप्लाई किए जाने के बाद इसके बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरीफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के अंदर ही SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचित भी कर दिया जाएगा। भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत हर्ष है। चाहे डिपॉजिट का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे RBI हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व तो है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा था कि 45 दिनों के अंदर निवेशकों का पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा और अब सहारा की कोऑपरेटिव में निवेशक करने वाले करोड़ों निवेशकों को पैसा वापस करने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया गया है। इस काम की शुरुआत भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से खुद की। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे, मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहां तक पहुंचने वाला कार्यकर्ता हूं, जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूं। आपको बता दें, सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसा जमा करने वाले इन्वेस्टर्स को रिफंड दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर सहारा निवेशक खुद से लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। अब ऐसे में उन लोगों के लिए ये खुशखबरी भी है जिनका पैसा सालों से फंसा हुआ था, लेकिन अब उम्मीद है कि उनका पैसा भी उन्हें अब वापस मिल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।